इसका फोन में रखते हैं। इस बिन के अंश में छह जोड़ने पर हर को तीन गुना करने पर भिन्न 2/3 हो जाता है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना भिन्न का जो अंश है ना वह है x तथा भिन्न का हर क्या है, भिन्न का हर वो है y। तो इससे भिन्न क्या निकल के आएगा, x/y। प्रश्न से कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, अंश में 6 जोड़ दिया जाए और हर में 3 से गुना कर दिया जाए, तो हर में 3 से गुना कर दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जा रहा है। यहाँ देखिए, 3 से ये 3 काट सकते हैं, x+6 = 2y। इसको इसलिए तो यहाँ लिख सकते हैं x-2y = -6। समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि यदि अंश में 2 घटा दे, हर में 3 जोड़ दे तो 1/4 हो जाता है। अंश में 2 घटा दे, हर में 3 जोड़ दे तो 1/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x-8 = y+3। 4x-y = 3+8, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे अब 4x-y = 11। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए, इस समीकरण में 1 से गुना और इसमें समीकरण में हम लोग 2 से गुना, ताकि y के गुणांक को सेम कर ले। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से x-2y = यहाँ पे हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 8x-2y = 22। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, ये माइनस का 7x और यहाँ माइनस का इधर 28 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या जरिए 7 जाएगा डिवाइड में, एक्स का मान 4 आ जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स का मान हम लोग रखने वाले हैं 4-2y = -6। -2y = -6 -4, यानी हो जाएगा यहाँ पर -2y = -10। माइनस माइनस कैंसिल, 2 जाएगा भाग में तो वाई का मान आ जाएगा 5। एक्स वाई निकल गया, इसलिए जो भिन्न होगा हमारा x/y, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 4/5। ये अब कैंसिल। चलिए अब इसका